राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कार्तिक स्नान का आप उद्यापन कैसे कर सकते हैं। मैं आपके साथ तीन सरल तरीके शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्तिक स्नान करने के बाद उसका उद्यापन कैसे किया जाता है, उद्यापन इस साल हमें कब करना है और उद्यापन में क्या क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। मैं आपको तीन तरीके बताऊंगी कार्तिक स्नान के उद्यापन के। तीनों में से जो भी तरीका आपको सरल लगे या लगे ये सही तरीका है, आपके लिए कन्वीनियंट है, आप उस हिसाब से उद्यापन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम कार्तिक स्नान करते हैं तो फिर उसके बाद हमें उसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करना बहुत ही जरूरी होता है। जब भी आप कोई व्रत कोई नियम उठाते हैं तो हमें उसका उद्यापन जरूर से करना चाहिए। जो भी आप नियम या व्रत पकड़ते हैं उसी के हिसाब से आपको दान करना होता है, तभी आपका जो वो नियम है या व्रत है वो संपूर्ण माने जाते हैं। तो कार्तिक स्नान जब आप करते हैं तो स्नान के बाद दान किया जाता है, और दान में आपको जो है ना किसी भी जोड़े को जिमाना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जो है कपड़े ले लेंगे। तो यहां मैंने ये साड़ी ले ली है। आप जिसे भी दान कर रहे हैं और उन्हें जानते हैं कि वो साड़ी पहनते हैं तो आप साड़ी दे सकते हैं, और अगर वो सूट पहनते हैं तो आप सूट भी दे सकते हैं। तो आपको साड़ी या सूट एक चीज लेनी है, दोनों नहीं लेनी, आपकी मर्जी है देने को, तो आप पांच भी दे सकते हैं, लेकिन एक देनी है आपको पहरावनी। चाहे तो आप सूट दे सकते हैं, चाहे तो आप साड़ी दे सकते हैं। साथ ही में जेंट्स के कपड़े देने हैं क्योंकि हम जोड़ा जिमाएंगे, तो आप यहाँ पैंट शर्ट ले सकते हैं, धोती कुर्ता ले सकते हैं, कुर्ता पजामा ले सकते हैं। तो चाहे तो आप साड़ी और पैंट शर्ट ले लें, या फिर आप सूट और पैंट शर्ट या धोती कुर्ता, जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले लें। और आप चाहें तो बस ये इसी तरह दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इनको जो है ना पांचों पांचों कपड़े भी कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर साड़ी है और ब्लाउज है, साथ ही में हम पेटीकोट रख देंगे, हैंकी रख देंगे, और आप चाहें तो गर्म जुराब ले सकते हैं, चाहे तो शॉल ले सकते हैं, चाहे तो स्वेटर ले सकते हैं। गर्म कपड़े का विशेष कर जो है महत्व होता है दान पुण्य में, तो आप चाहें तो पांच चीज ये ले सकते हैं, या अपने हिसाब से शॉल स्वेटर के साथ आप हैंकी और सॉक्स को चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि सूट में चुन्नी भी होती है, ये पहले ही तीन होते हैं, सूट सलवार और चुन्नी, तो इसमें आप या तो एक स्वेटर रख दें, शॉल रख दें, या स्वेटर और सॉक्स रख सकते हैं। इस तरह से आप वो भी पांच कर सकते हैं। इसी तरह से जेंट्स के भी आप पांच कपड़े कर लीजिएगा। तो जेंट्स के लिए आप इस तरह से बनियान ले सकते हैं, और हैंकी ले सकते हैं, और सॉक्स ले सकते हैं। तो जेंट्स के भी आप पांचों कपड़े कर सकते हैं, और जो लेडी होंगी उनके भी आप पांचों कपड़े कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो पांच पांच रहने दे, खाली दो भी कर सकते हैं कि सिर्फ साड़ी दे दी और सिर्फ आपने पैंट शर्ट का कपड़ा दे दिया। देखिए, दान है, आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, चाहे तो दो दो पांच पांच जोड़ी कपड़े भी दे सकते हैं। इसी के साथ देखिए, कुछ सुहाग का सामान हम जरूर से दान करेंगे, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे तेल, मेहंदी और रोली, चूड़ी और सिंदूर, नेल पेंट वगैरह, जो भी आप देना चाहें वो चीजें आप दे सकते हैं। पांच चीज, सात चीज, या सभी चीज मिला के भी आप दे सकते हैं। इसी के साथ आप चाहें तो चांदी की ये बिछवे दे सकते हैं, सोने का नोजपिन दे सकते हैं। तो देखिए, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। बाकी सोना चांदी दान करना बहुत ही अच्छा बताया जाता है, तो अगर आप देना चाहें तो दे दें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए, यहाँ पे हम चप्पल ले लेंगे। तो ये लेडीज की चप्पल ले ली है, साथ ही में आप जेंट्स की चप्पल ले सकते हैं, या इस तरह की जो खड़ाऊं आती है ना, लकड़ी की जो खड़ाऊं होती हैं, पहले के टाइम पे इन्हें पहना जाता था और बहुत अच्छी रहती है, शुद्ध रहती हैं ये पाठ पूजा में, तो आप ये भी ले सकते हैं। आप चाहें तो एक इस तरह की चप्पल दे दें और एक इस तरह की दे दें, या फिर आप दोनों खड़ाऊं दे सकते हैं, या अगर लगता है आपको कि कोई यूज नहीं करेगा या नहीं पहनेगा तो आप खड़ाऊं रहने दें। बाकी खड़ाऊं देना बहुत ही अच्छा रहता है, और अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो जो खड़ाऊं पहने तो आप खड़ाऊं जरूर से दान कीजिएगा। अपने जीवन में एक बार तो खड़ाऊं दान जरूर कीजिएगा। बाकी आप चाहे तो चप्पल भी दे सकते हैं। दोनों पे हम दक्षिणा रख देंगे। तो दोनों पे हमें अलग अलग दक्षिणा ही देनी है, दोनों जगह हम दक्षिणा रखेंगे। देखिए, हो सके तो आप पांच बर्तन भी दे दीजिए। बर्तन अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर आपका है सामर्थ्य आप दे सकते हैं तो बर्तन जरूर दीजिएगा। और साथ ही में ये लोटा, लोटा तो आपको जरूर देना है, चाहे आप बर्तन दें या ना दें, एक लोटा तो आप जरूर दीजिए, क्योंकि कार्तिक में हम जो है स्नान करते हैं, और जो स्नान दान होता है वो लोटे से अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप स्नान करते हैं तो लोटा आपको जो है ना जल देने के लिए, अर्क देने के लिए, स्नान करने के लिए, सभी चीजों में लगता है।
तो आप लोटा जरूर दीजिएगा। जब भी आप कोई भी स्नान, नहाने का स्नान दान करते हैं ना, तो लोटा आपको जरूर दान करना होता है। और हो सके तो आप इसमें ना चावल भर के दीजिएगा। इस तरह से आप चावल भर सकते हैं, आप गेहूं भी भर सकते हैं, या फिर आप तिल भी भर सकते हैं, क्योंकि तिल का दान भी विशेष होता है। तो गेहूं, चावल या तिल, कुछ भी आप इसमें अच्छे से भर लें, उसके बाद आपको ये दान करना है। और दो लोटे नहीं लेने आपको, आपको एक ही लोटा लेना है और उसमें आपको इस तरह से कुछ भर लेना है। तो ये हम लोटा ले लेंगे। साथ ही में हम खाने पीने की कोई मिठाई दे सकते हैं, खाने पीने का सामान दे दे आप, या फिर आप चाहें तो फल फ्रूट भी जरूर से दे। ये वो सामग्री है, ये वो सामान है जो हमें कार्तिक पूर्णिमा पे दान करना है, कार्तिक स्नान का उज्जवलन करने के लिए। आप तीन तरह से उज्जवलन कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि ये सारा सामान आप लेंगे और आप अपने घर में किसी को जिमने के लिए बुलाएंगे, किसी को भोजन करने के लिए बुलाएंगे। आप पंडित पंडितानी को बुला सकते हैं, अपनी नंद को बुला सकते हैं, फूफस को बुला सकते हैं, जिठानी को, ताई सास को, अपने ससुराल पक्ष में से जो भी बड़े रिश्ते हैं आप उन्हें बुला सकते हैं, या आपके घर के आसपास कोई ब्राह्मण रहते हैं, पंडित पंडितानी रहते हैं, आप उन्हें बुला सकते हैं। लेकिन अपने मायके के पक्ष में दान नहीं दिया जाता, उनको नहीं जिमाया जाता, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि दीदी अपनी मम्मी को दे दें, अपनी बहन को दे दें, अपनी भाभी को दे दें। तो देखिए, अपने ससुराल पक्ष में ही दान चढ़ता है, मायके की तरफ नहीं देते हैं, क्योंकि मायके वाले तो खुद हमारा कन्यादान करते हैं, वो तो खुद इन लोगों को दान देते हैं, उनको आपको दान नहीं देना है। ये सब जो है आपको या तो बाहर देना होता है कहीं, या फिर अपने ससुराल पक्ष में देना होता है। तो आप किसी को भी भोजन के लिए अपने घर बुलाएं, पूर्णमासी वाले दिन आप उन्हें भोजन खिलाएं। आप सुबह भी खिला सकते हैं, शाम के समय भी करवा सकते हैं भोजन, और फिर उसके बाद ये सब दक्षिणा देके, ये दान दक्षिणा देके आप उन्हें विदा कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, और आप चाहे तो इसी में और चीजें भी बढ़ा सकते हैं। आप रजाई, गद्दा, कंबल, खाने का सामान, अनाज, आटा, चावल और भी चीजें बढ़ा के दे सकते हैं, पर कम से कम इतना तो आप दे दीजिएगा। ये भी नहीं कर सकते तो देखिए, दूसरा तरीका है कि आप ये सामान ले लेंगे, उसके बाद आप खाना बनाएंगे। आप जो भी आपने नए बर्तन निकाले होंगे उसमें आप खाना परोस लीजिए। आप मंदिर में जाके खाना प्लस में ये कपड़े और ये जो भी आपने दान दक्षिणा निकाली है ये मंदिर में ले आएंगे। तो आप अपने घर बिना बुलाए बाहर की बात भी उद्यापन कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे कि दीदी नहीं, हम इस तरह भी नहीं करना चाहते, या हम सामान ज्यादा नहीं देना चाहते, इतना भी हमारा जो है बोध नहीं है, या फिर हमारा जो है सामर्थ्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप अपने हिसाब से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो तो जरूर कीजिएगा, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप एक लोटा ले लीजिएगा। तो देखिए, आप एक लोटा ले लीजिएगा, एक लोटा तो आप ले लेंगे, एक लोटा ले लेना है, लोटा नया लेना है हमें। उसके अंदर आप चाहे तो चावल भर लें, चाहे तो तिल भर लें, चाहे तो गेहूं भर लें। देखिए, तिल का दान भी बहुत विशेष बताया जाता है कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन या कार्तिक के पूरे महीने में, तो आप तिल जरूर से दे सकें तो थोड़े बहुत जरूर दें। चाहे तो तिल की रेवड़ी दे दें, तिल की गज्जक दे दें, चाहे तो एक लोटा तिल भर के दे दें। ये ले लेंगे, इसके ऊपर हम कुछ दक्षिणा रखेंगे। सुहाग का सामान रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कपड़े वपड़े कुछ रखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह से हैंकी रख लिया, एक बिंदी का पत्ता रख लें आप, दक्षिणा रख लें, और आपने ये अनाज ले लिया, ये आप मिनस दीजिएगा। तो ये ले लेंगे और ये हम मंदिर में दे आएंगे, या किसी भी गरीब को, जरूरतमंद को, या किसी को भी हम दान कर सकते हैं। अपने घर में भी आप अपने बड़े रिश्तों को दान कर सकते हैं। और जो भी आप दान करेंगे, चाहे तो ज्यादा से ज्यादा हो, चाहे तो कम से कम हो, आपको उसे मिनसना जरूर है। मिनसते कैसे हैं, आप एक थाली में रख लीजिएगा जो भी आपने दान करने के लिए निकाला है। थोड़ा सा आप पानी लेंगे अपने पल्ले में, और थोड़े से दाने ले सकते हैं आप चावल के या तिल के, और इस तरह से दो बार इस तरह से उसे मिनस दीजिएगा, चुचकार लीजिएगा, और जिसे भी दे रहे हैं उसे आप पैर पड़ के ये सारा सामान दे सकते हैं। अपने यथाशक्ति अनुसार आप दान जरूर कीजिएगा। कार्तिक स्नान हो या कोई भी आपने नियम पकड़ा हो, व्रत रखे हो, जब तक आप उसका उद्यापन नहीं करते, कुछ दान मतलब दान नहीं निकालते, तब तक वो संपूर्ण नहीं माना जाता। उद्यापन के बिना आपका कोई भी कर्म, कोई भी नियम पूर्ण नहीं माना जाता। तो चाहे तो कम करें, चाहे तो ज्यादा करें, दान जरूर से करें। तो मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे दान कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी यूजफुल लगी हो, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से पाठ पूजा, हिंदू धर्म, रीति रिवाज और घर गृहस्थी से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सियाराम, राधे राधे।